तो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू द टर्न द बस यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हम लोग 3.4 में पहुंच गए हैं। अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या विलोपन विधि सीखा है, और विलोपन विधि से इसके आगे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत सारे है, एक दो मैं कर देती हूँ, बाकी आप सॉल्व करिएगा। तो पहला प्रश्न है, यदि हम को दिया हुआ है कि इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। प्रश्न पढ़ लेते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, भिन्न एक में बदल जाती है, यानी भिन्न क्या हो जाता है, भिन्न एक हो जाता है। दूसरा क्या है, यदि हर में एक जोड़ दे, पहले में क्या था, अंश में भी एक जोड़ रहा है और हर में एक घटा रहा है। ये पहला, इससे पहले हमने जो किया था 3.3 में, उसे थोड़ा सा अलग है, उसमें दोनों में जोड़ना था और इसमें क्या है, एक में जोड़ना एक में घटाना है। और दूसरे बार में क्या है, हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में जोड़ रहे हैं, अंश में तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो वो कितना हो जा रहा है, 1/2। तो फिर से हम लोग मान लेते हैं कि हमारा भिन्न क्या है, आप पूरा लिखिएगा, मान लेते हैं भिन्न है हमारा x/y, तो यानी ये अंश हो गया, हमारा अंश है x और ये हर है y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, अंश में एक जोड़ना है यानी x+1 और हर में क्या करना है, एक घटाना है, तो यह भिन्न क्या हो जाता है, एक हो जाता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, x+1 = y-1, यानी x-y = -2। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्या है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, यानी अंश में कुछ नहीं कर दिया जा रहा है और हर में एक जोड़ देंगे, तो यह हो जाती है 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x = y+1, यानी 2x-y = 1, समीकरण नंबर 2। अब इलिमिनेशन मेथड, यहीं पे मैं, अब इसमें क्या है, x-2y, समीकरण 1 क्या है, y = -2, यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। तो क्या करना है, दोनों में से या x या y को, तो देख लीजिए, इसका y भी -y है और इसका y भी, तो ये ऑलरेडी दोनों है, या फिर हम क्या कर लेते हैं, x को बराबर कर लेते हैं, तो ये 2x है और ये x है, तो क्या कर लेते हैं, पहले वाले को हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x - y 2y = -4। सब में 2 से 2 से 2 से गुना कर दिए, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 वैसे ही रहेगा, 2x - y = 1। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, यहाँ बहुत साफ से नहीं दिखाई दे रहा है, 2x - 2y = -4, 2x - y = 1, -y + -, ठीक है, ये कट जाएगा, -2 + y, यानी -y = ये 1 है और ये -1 था ना, नहीं +1 था, तो माइनस यानी -5, यानी y का वैल्यू आ गया 5। x का वैल्यू किसी में पुट करके डाल देंगे तो एक इक्वेशन क्या है, x - y = -2, x - y यानी x - 5 = -2, x = -2 + 5 यानी 3, यानी x का वैल्यू है 3। तो हमारा भिन्न जो आ जाएगा 3/5। ठीक है, अभी देख लेते हैं, दोनों में पहले वाले में जोड़ देंगे तो 4 और 1 में घटा, 4/4, ठीक है 1, तो ये है आपका उत्तर। इसी वीडियो में एक और क्वेश्चन हम लोग, अच्छा अगले वीडियो में हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसका करेंगे।